Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Qamar Askari and I'm going to teach you advanced automata or automata 2, या इसे आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन 2, बहुत सारे नाम है सब्जेक्ट के. तो हम इसको ऑटोमेटा 2 कह रहे हैं. तो हेयर यू कैन सी माई ई मेल एड्रेस जिसके ज़रिए हम इंटरेक्शन कर सकते हैं जी. तो आज के लेक्चर में मैं जस्ट एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा इस कोर्स का, और साथ ही साथ हम एक डेफिनेटली इसका एक प्री रिक्विजिट कोर्स ऑटोमेटा थ्योरी, जो कि यूजुअली आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ के आते हैं, तो ज़रूरी है कि पहले थोड़ा सा हम उसकी भी बात करें और फिर इसकी कोर्स आउटलाइन हम डिस्कस करेंगे आज. तो आज के लेक्चर का एजेंडा यही है जी. इसमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस ब्रांच की, उस एरिया की जिसको बिलोंग करता है हमारा कोर्स, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंसेस. ये एक कह लें कि एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स है, एक फील्ड है जो डील करती है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को कंप्यूटर साइंस के. और बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें से आपने डेफिनेटली इनमें से कुछ आपने पढ़े भी होंगे, जैसे कि एल्गोरिदम्स है, डेटा स्ट्रक्चर है, ऑटोमेटा थ्योरी है, और इसी तरह से आप यहाँ पे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, अलजेब्रा है. तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बिलोंग करते हैं थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंसेस की ब्रांच को, जिसको बिलोंग करता है वो सब्जेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं इन दिस कोर्स. और हियर यू कैन बिलो यू कैन सी द रेफरेंस जहाँ से मैंने इन सब्जेक्ट्स को या इस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया है कि ये थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंसेस को बिलोंग करते हैं. तो देख लेते हैं जी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक्चुअली जो हमारे इस कोर्स का एक असल, या कह लें एक्चुअली एक नाम होना चाहिए या हो सकता है कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. ये यू समझ लें कि इसकी जो रूट्स हैं ये मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंसेस में से आती हैं. और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बेसिकली है क्या कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ये है कि हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम होती है, यूजुअली हम उसे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कहते हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ मॉडल्स बनाते हैं, और वो जो मॉडल्स हैं वो यूजुअली थ्योरेटिकल मॉडल्स होते हैं. थ्योरेटिकल मॉडल्स डेफिनेटली आप चूँकि ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ के आए हुए हैं तो आपने उसमें वो थ्योरेटिकल मॉडल्स ज़रूर कंस्ट्रक्ट किए होंगे, जैसे कि फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, इवन ट्यूरिंग मशीन. तो वो जो थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं बेसिकली उनके अंदर एक एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, एक एल्गोरिदम पर वो बेस्ड होते हैं. अगर कोई उस थ्योरेटिकल मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहे, उसके लिए कोई प्रोग्राम लिखना चाहे किसी लैंग्वेज में, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है उसके लिए कोड लिखना. तो बहरहाल थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ कंप्यूटेशनल थ्योरेटिकल मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, और उन मॉडल्स के ज़रिए हम उस प्रॉब्लम को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो कितना अच्छा सॉल्यूशन है, कितना एफिशिएंट वो सॉल्यूशन है उसकी. हम अगर यहाँ पे देखें तो मैंने उसको कुछ इस तरह से शो किया हुआ है कि उसकी हम ग्रेडिंग करके बता रहे हैं कि कितना अच्छा या बुरा सॉल्यूशन है. तो एक्चुअली जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है ये एक मेन ब्रांच है, और इसकी आगे फिर इसमें से तीन ब्रांचेस निकलती हैं, ऑटोमेटा थ्योरी, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी. तो ये बेसिकली तीन डिफरेंट थ्योरीज हैं जिनके कॉम्बिनेशन को थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कहते हैं. इसमें से सबसे पहले अगर हम देखें कि कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी जो है ये एक्चुअली समझ लें कि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन कितना एफिशिएंट है ये मेजर करना, ये मालूम करना,
या एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन से बेहतर करार देना, जिस जिन जिन बुनियादों पे ये कहा जा सकता है उसको डील करती है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। आप इसके बारे में डेफिनेटली एल्गोरिदम्स के कोर्स में भी पढ़ के आए हुए होंगे, जहाँ पे आप एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को यूज़ करते थे टू डिस्क्राइब दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स और प्रोग्राम्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी एक्चुअली एक दिस इज़ वन ऑफ द थ्री ब्रांचेस ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन विच डील्स विद द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सेकंड जो इसकी ब्रांच है वो है जी कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी एक्चुअली डील करती है इस चीज़ को कि जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके लिए हम देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स सॉल्वेबल हों। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ऐसा बल्कि है कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास मौजूद हैं जिनके लिए हम सॉल्यूशन नहीं बना सकते, जिनके लिए हम एक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, या यूं कह लीजिए कि जो सॉल्वेबल नहीं है उनके लिए हम एल्गोरिदम नहीं लिख सकते, प्रोग्राम नहीं हम बना सकते, या अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं वो। तो कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी इस बात को डील करती है कि अप टू व्हाट एक्सटेंट अ प्रॉब्लम इज़ सॉल्वेबल, कि एक प्रॉब्लम अगर हमारे पास है तो वो किस हद तक सॉल्वेबल है या इवन सॉल्वेबल है भी कि नहीं, तो इस चीज़ को डील करती है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। तो इसी तरह से इसकी जो तीसरी ब्रांच है जो कि आप पढ़ चुके हुए हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, वो है जी ऑटोमेटा थ्योरी। ऑटोमेटा थ्योरी में डेफिनेटली अब इसके बारे में मुझे शायद आपको बताने की ऐसा उस तरह से ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। इसमें होगा ये कि होता ये था कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स थी या प्रॉब्लम्स होती थी, उन प्रॉब्लम्स को आप ट्रांसफॉर्म कर देते थे लैंग्वेजेस में, और जब वो लैंग्वेजेस में ट्रांसफॉर्म कर देते थे तो फिर आप उन लैंग्वेजेस के लिए कंप्यूटेशनल मॉडल कंस्ट्रक्ट करते थे। तो वो जो कंप्यूटेशन मॉडल था वो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता था। तो यूँ समझ लें कि एक ऐसी ये कंप्यूटेशन थ्योरी का थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की वो ब्रांच है जो इस बात को डील करेगी करती थी कि जिसमें आप कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को स्टडी करते थे, कंप्यूटेशनल मॉडल्स जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए जा सकते हैं या बनाए जाते रहे हैं उनको आप स्टडी करते हैं। तो इस ब्रांच को हम नाम देते हैं जी ऑटोमेटा थ्योरी। तो एक्चुअली अब यहाँ से एक बात हमें बड़ी अच्छे से क्लियर हो रही है कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक एरिया है जो कि मैथमेटिक्स और थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंसेस में से निकलता है, या ये उसकी उन दोनों में से दोनों की कंबाइंड एक ब्रांच है, और जो फर्दर आगे तीन हिस्सों में जिसको डिवाइड किया जा सकता है, और जो उसका एक हिस्सा है जिसमें कि आप प्रॉब्लम्स और मॉडल्स जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बना सकते हैं उसको स्टडी करते हैं आप जिस ब्रांच में, उसे आप ऑटोमेटा थ्योरी कहते हैं, और इस ब्रांच को आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ चुके हुए होते हैं जो कि इसका प्री रिक्विजिट कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे अब इससे आगे बात होती है, और उसके बाद हमारे पास दो ब्रांचेस जो आप इस ग्रेजुएट कोर्स के अंदर MS के इस कोर्स में आप पढ़ने जा रहे हैं वो है जी कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी इस बात को डील करती है कि आपका जो मॉडल था जो जिसके ज़रिए आपने सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट किया वो मॉडल किस हद तक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है या कर सकता है, और कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सॉल्वेबल ही नहीं हैं। या फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी इस बात को डील करती है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप वो कितना अच्छा सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है, कितना एफिशिएंट जो वो सॉल्यूशन है वो आपके पास है। ओके, अब हमने थोड़ा सा हमने रफली बात कर ली कि एक्चुअली हम इस कोर्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ आप तीन एक्चुअली इनफैक्ट कवर पेजेस हैं ये बुक्स के जो आप देख सकते हैं। मैं आपके साथ कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर रहा हूँगा सेपरेटली, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा कि एक्चुअली हम इन बुक्स में से कुछ टॉपिक्स हम ले रहे होंगे। ये जो पहली बुक आपको नज़र आ रही है इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ये एक बड़ी वेल नोन बुक है जॉन सी मार्टिन की। यकीनन आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर
जब आपने ऑटोमेटा पढ़ा होगा तो अमूमन इस बुक को फॉलो किया जाता है मोस्टली। इसके अलावा कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो एक और बुक को फॉलो करते हैं जो कोहेन की बुक है, उसके ऑथर का नाम कोहेन है, वो भी एक फॉलो की जाने वाली बुक है, लेकिन बहरहाल हम इस बुक को यहाँ पे देख रहे होंगे। सेकंड जो एक बड़ी वेल नोन बुक है, बहुत अच्छी लिखी हुई बुक है जी, ये है इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, माइकल सिप्सर की ये बुक है, और इसमें से भी हम कुछ चीज़ें ख़ास तौर से जब हम मूव करेंगे थोड़ा सा कह लें कि मिड के बाद में कुछ चीज़ें देखेंगे इस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, या कुछ और चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, वो इस बुक में से हम ले रहे होंगे। और साथ ही साथ एक और बुक में से भी हम कुछ मटेरियल ज़रूर लेंगे, ऑटोमेटा थ्योरी लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटेशन, ये जॉन हॉपक्रॉफ्ट एक बड़ा वेल नोन ऑथर है, या जेफ्रे डी ओलमैन, बड़ी वेल नोन बुक है ये भी, तो इसमें से भी हम कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे जी। तो ये वो तीन बुक्स हैं जिनमें से मोस्टली हम अपने जो भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो ज़ाहरी बात है कि वो देखते हुए कि कहाँ से ज़्यादा कह लें कि वो ईजी है या कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, आप अपने तौर पे तीनों बुक्स में देख सकते हैं, आपको तकरीबन वो सारे टॉपिक्स इन तीनों बुक्स में कहीं ना कहीं नज़र आ रहे होंगे। ओके, हियर यू कैन सी द कोर्स आउटलाइन। अगर आप इस कोर्स आउटलाइन को देखें तो मैंने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है जी, और तीन हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, और यहाँ पे पहला इसका जो हिस्सा है वो मैं कवर कर रहा हूँ डेढ़ वीक में, कि इसके अंदर सिर्फ वो रिवीजन है जो आप पहले पढ़ चुके हुए हैं, तो ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वो रिवाइज़ करवाऊँगा कुछ चीज़ें वेरी क्विकली। डेफिनेटली अगर आपको लगे कि नहीं कुछ इस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए तो आप मुझे अपना फीडबैक देंगे, तो फिर उसके मुताबिक हम इसको थोड़ा मज़ीद टाइम भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी पहले का पढ़ा हुआ है और वो कॉन्सेप्ट उनके जो हैं वो भूल चुके हुए हैं, या वो अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, तो शायद हम इस पर थोड़ा सा टाइम इन दैट केस स्पेंड कर सकते हैं। फिर एक्चुअल हमारा जो है कह लें कि इस कोर्स का जो पार्ट है वो है जी कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। तो कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी जो है इसको हम यहाँ पे अगर आप देखें तो दो हिस्सों में मैंने इसे डिवाइड कर दिया है, एक को मैं कह रहा हूँ ट्यूरिंग मशीन्स। ट्यूरिंग मशीन्स जो हैं ये आपने इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ऑटोमेटा थ्योरी के कोर्स में लिया होगा, मैंने यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं, उन टॉपिक्स के आगे मेंशन कर दिया है कि ये टॉपिक एक लेक्चर में कवर हो रहा होगा या अगर एक से ज़्यादा में कवर हो रहा है तो मैंने वो मेंशन किया हुआ है। और पहले तकरीबन ये पाँचवें वीक तक अराउंड अबाउट हम ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। और फिर कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी का ही एक सेकंड पार्ट है जिसे डिसाइडेबिलिटी एंड रिड्यूसेबिलिटी के नाम से ये चैप्टर्स होंगे, जिनको हम तकरीबन 11th वीक तक जो है वो कवर करेंगे, और इसके अंदर हम देखेंगे मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका वो है जी कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के ऊपर हम रिमेनिंग जो भी हमारे पास टाइम होगा वो हम स्पेंड करेंगे, और इसमें बड़े कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पी क्लास एंड पी क्लास और कुछ इस तरह से, तो कुछ थ्योरम्स हैं। तो बहरहाल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्लान यही है कि हम इस तरह से इसे लेके चल रहे होंगे। और नीचे आप देख सकते हैं, हियर यू कैन सी कि किस तरह से असेसमेंट जो है वो मैंने उसको जो परसेंटेज है वेटेज है वो डिवाइड की हुई है। क्विजेज हैं जी 15% वेटेज, माइट बी मुझे इसे 10% करना पड़े, क्योंकि ये जो वेटेज है ये अगर ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं तो फिर शायद इसमें कुछ चेंज आ जाएगी। मिड टर्म का क्या वेटेज है, 25% है, असाइनमेंट्स 5% है, मे बी हम क्विजेज को यहाँ पे 15 की बजाय 10 कर देंगे, और जो असाइनमेंट्स हैं उसकी वेटेज अब हम थोड़ी सी बढ़ा के 5 की बजाय
उसको अटेंड कर देंगे। तो यहाँ पे ज़ाहरी बात है फिर क्विज़ेस जो हैं ये 5 से 6 जो लिखे हुए हैं इनमें कुछ कमी हो जाएगी, असाइनमेंट जो हैं वो 2 लिखी हुई हैं तो इनमें शायद कुछ इजाफ़ा हो जाएगा। बाकी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कह लें एक्टिविटी है जी टर्म पेपर। टर्म पेपर में ये होगा कि चूँकि बहुत सारे टॉपिक्स फिर भी ऐसे होंगे जो हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो वो टॉपिक्स मैं कह लें कि आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूँ या आप लोगों को मैं टाइमली शेयर कर दूँगा उसे मिड टर्म के राउंड अबाउट, तो आप उन टॉपिक्स को अपने तौर पे प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें आप मुझे एक रिपोर्ट एक टर्म पेपर टाइप कुछ पेजेस पर मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जिसकी प्लेजरिज्म चेक होगी और साथ ही साथ उसे आपको प्रेजेंट करना होगा इन लास्ट वीक, और इसकी जो वेटेज है वो 10% हम रख रहे हैं जी फ़िलहाल। और आखिरी जो एक कह लें कि जो एक्टिविटी होती है वो फ़ाइनल एग्ज़ाम है जिसकी वेटेज फ़िलहाल मैं 45% कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा चूँकि आज का लेक्चर जो है ये बिल्कुल ही एक इंट्रोडक्शन है, तो मैंने जैसे कहा कि पहला जो 1.5 वीक है 1.5 वीक इसमें मैं ऑटोमेटा थ्योरी को रिवाइज़ करवाऊँगा ट्यूरिंग मशीन से पहले पहले। अमूमन आप लोग ट्यूरिंग मशीन पर भी कुछ ना कुछ पढ़ के ही आए हुए होते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, लेकिन ट्यूरिंग मशीन को हम अपने कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी के अंदर कंसिडर करते हैं, तो लिहाजा हम वहाँ से बात जो हमारा एक रेगुलर जो भी इस कोर्स का हिस्सा है वो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ऑटोमेटा थ्योरी जैसे मैंने कहा कि इट इज़ द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स, मैथमेटिकल मॉडल्स भी इन्हें कहते हैं, थ्योरेटिकल मॉडल्स भी इन्हें कहते हैं, ऑटोमेटा भी कहते हैं। ऑटोमेटा एक प्लूरल फॉर्म है ऑटोमेटन वर्ड की जिसका मतलब है सेल्फ ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक कोई चीज़। तो एक्चुअली ये जो मशीन्स हैं या ये जो मॉडल्स हैं ये आपको पता है कि आप पढ़ चुके हुए हैं कि ये थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं, ये कोई सचमुच की फिज़िकल मशीन्स नहीं हैं। ये आप पेपर पेंसिल की मदद से इन मशीन्स को आप ड्रॉ करते हैं एक्चुअली, या ये एक कह लें कि थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं। तो आप डिफरेंट तरह के थ्योरेटिकल मॉडल्स पढ़ते हैं इसमें, और जिन मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए आप कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह की हैं, कैसी होती हैं, इस पर भी अभी थोड़ी सी हम बात करेंगे। और आपको ये भी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का मकसद क्या है, क्यों हम इसे पढ़ रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ें आप पढ़ते हैं इसका तो सबसे बड़ा जो आपको एक यूज़ नज़र आता है वो कंपाइलर्स में नज़र आता है। आपने कंपाइलर अगर आप ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ के आते हैं तो फिर आपने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन भी ज़रूर पढ़ा होता है, तो उसमें आप देखते हैं कि जो पार्सर्स हैं कंपाइलर हमारा जो है वो पार्स करता है, वो ग्रामर चेक करता है हमारे प्रोग्राम की, एरर्स फाइंड करके देता है, सिंटैक्स उसका चेक करता है। तो वो जो फेजेस हैं उसके उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर जो आप कुछ मॉडल्स पढ़ के जाते हैं वो आपको हेल्प करते हैं वहाँ पे। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी NLP वगैरह के अंदर भी इसका काफ़ी इस्तेमाल है जो कॉन्सेप्ट्स आप ऑटोमेटा थ्योरी में पढ़ ओके। ऑटोमेटा थ्योरी में सबसे पहले हम बात करेंगे जी डिसीजन प्रॉब्लम की, कि डिसीजन प्रॉब्लम आपने अगर थोड़ा सा उसे रिकॉल करें तो आपने वहाँ पे कुछ पढ़ा होगा कि आपके पास एक लैंग्वेज होती थी, उस लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स होते थे और आप उस लैंग्वेज के वर्ड्स आप एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करते थे और उस मॉडल को आप इनपुट करते थे लैंग्वेज के वर्ड, तो वो मॉडल एक्सेप्ट कर लेता था अगर वो मॉडल उसी लैंग्वेज के लिए बना हुआ होता था, और अगर आप कोई ऐसी स्ट्रिंग उसे इनपुट करते थे जो उस लैंग्वेज का वर्ड नहीं होती थी तो वो मॉडल उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। इन अदर वर्ड्स आपका मॉडल जो है वो 2 ही जवाब देता था, हाँ या ना, यानी एक्सेप्ट या रिजेक्ट, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को डिसीजन प्रॉब्लम्स कहते हैं जिन प्रॉब्लम्स का जो आंसर है जो सॉल्यूशन है वो यस और नो में हो। तो आप अमूमन आपने वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स पढ़ी होंगी वो डिसीजन प्रॉब्लम्स ही होंगी, जबकि डिसीजन प्रॉब्लम्स के अलावा भी और भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनमें सिर्फ जवाब यस और नो में नहीं देना होता,
उनके लिए भी हम मॉडल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि आपने एफए विद आउटपुट मोर एंड मिले मशीन्स पढ़ी होंगी, जिनकी मदद से आप सिर्फ एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन नहीं कर रहे होते इनपुट की, आप वहाँ पे कुछ आउटपुट्स भी जनरेट कर रहे होते हैं। तो बहरहाल अभी चूँकि मोस्टली हमारा वहाँ पे जो फोकस रहा होता है वो डिसीजन प्रॉब्लम्स पर रहा होता है, तो मैं उन्हीं को लेके चल रहा हूँ। कैलेट से आपके पास एक डिसीजन प्रॉब्लम है, तो आप ऑटोमेटा थ्योरी में आपने किया क्या होगा, सबसे पहले उस डिसीजन प्रॉब्लम के लिए एक लैंग्वेज फॉर्मुलेट की होगी। जब आप उस डिसीजन प्रॉब्लम के लिए लैंग्वेज फॉर्मुलेट कर लेते हैं, तो अब बारी आती है जी कि इस लैंग्वेज को एक्सप्रेस कैसे किया जाए। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को पहले एक लैंग्वेज की शेप दे दी। जब वो एक लैंग्वेज की शेप में आ गई प्रॉब्लम, अब उस लैंग्वेज के लिए आपने एक एक्सप्रेशन लिखा, कोई ग्रामेटिकल रूल यूज़ करते हुए या किसी एक लैंग्वेज एक्सप्रेस करने के मेथड को यूज़ करते हुए। तो जब आप उस लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर देते हैं, आपने वहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे, आपने वहाँ पे CFGs पढ़ी होंगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जैसे आप कहते हैं, तो एक्चुअली आप उस लैंग्वेज को फिर एक्सप्रेस करते हैं। तो आप लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं जी, उसको जब आप एक्सप्रेस कर लेते हैं तो फिर आप उसके लिए एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं जो उस लैंग्वेज को रिकग्नाइज करता है। रिकग्नाइज करने से मुराद ये है कि अगर आप उसको ऐसी इनपुट स्ट्रिंग देंगे जो उस लैंग्वेज के अंदर बतौर वर्ड मौजूद होगी, या उस लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनके मुताबिक उस लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए उस वर्ड को, तो फिर आपका मॉडल उसे एक्सेप्ट करे, अदरवाइज मॉडल उसे रिजेक्ट कर दे। तो मॉडल्स आपने वहाँ पे पढ़े, जैसे कि फाइनाइट ऑटोमेटा, आपने वहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ा होगा, फिर मे बी आपने ट्यूरिंग मशीन को किसी हद तक वहाँ पे स्टडी किया होगा। तो ये ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर आपका एक फ्लो था कि आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को आप पहले लैंग्वेज में फॉर्मुलेट करते हैं, फिर आप उसे ग्रामेटिकली उसकी ग्रामर को देखते हुए आप उसे एक्सप्रेस करते हैं, और फिर उसके लिए आप एक मॉडल बनाते हैं जो उसको रिकग्नाइज करता है। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर आप दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, कंप्यूटेशनल मॉडल्स एंड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। तो अगर हम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की बात करें तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स सिर्फ डिसीजन प्रॉब्लम्स ही नहीं होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की कई किस्में नज़र आ रही हैं, डिसीजन प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम, काउंटिंग प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और फंक्शन प्रॉब्लम। तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स कई तरह की हो सकती हैं, इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डिसीजन प्रॉब्लम की, तो डिसीजन प्रॉब्लम में आपके पास ये होता है जी कि जैसे मैंने कहा कि इसका जवाब यस और नो में होता है। तो लेट्स से आप अगर राइट साइड पर देखें तो आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है कि यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखें कि मेरे पास ये एक मॉडल ऑफ ये एक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन है जी, और इस मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन को अगर मैं कोई एक नंबर इनपुट कर रहा हूँ, और इस मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन को बनाया इस तरह से गया है कि अगर तो वो नंबर जो है वो प्राइम है तो ये मॉडल आउटपुट करेगा यस, और अगर वो नंबर प्राइम नहीं है तो ये मॉडल आउटपुट करेगा नो। तो ये एक डिसीजन प्रॉब्लम है, यानी इसमें आपका वो जो नंबर है उसको आप बाइनरी फॉर्म में भी रख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी रख सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो जिस भी फॉर्म में है वो आप नंबर इनपुट करेंगे और मॉडल जो है वो देखेगा कि क्या वो नंबर प्राइम है या कि नहीं। आपने मॉडल बनाया ही इस तरह से होगा कि वो ये चेक कर सके। तो अगर नंबर प्राइम है तो इसकी आउटपुट यस होगी, यस होने से मुराद ये है कि मॉडल एक्सेप्ट करेगा उस वर्ड को, और अगर अगर वो नंबर जो है वो प्राइम नहीं है तो मॉडल को उसे रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल है डिसीजन। इसी तरह से सर्च प्रॉब्लम किस तरह की होती है कि सपोज़ आपने एक ऐसा मॉडल बनाना है, अब यहाँ पे जवाब यस और नो में नहीं होगा, यहाँ पे आपके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप अगर इस एग्जांपल को देखें जो आपको राइट साइड पर नज़र आ रही है,
तो इसमें आप एक नंबर इनपुट कर रहे हैं और आपका मॉडल कुछ इस तरह से बना हुआ है कि अब इसने इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि वो प्राइम नंबर्स जो उस नंबर को पूरा पूरा तकसीम कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि 8 मैं इनपुट करूँ अपने मॉडल को, तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे? इसका प्राइम फैक्टर होगा जी 2 होगा, और 4 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, या इसी तरह से अगर 6 हो तो 6 का एक प्राइम फैक्टर 2 है, एक प्राइम फैक्टर इसका 3 है। तो बहरहाल जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर नंबर के, मॉडल उनको आउटपुट के तौर पर जनरेट कर दें। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसी प्रॉब्लम को हम सर्च प्रॉब्लम कहते हैं। इसी तरह से एक और तरह की प्रॉब्लम जिसमें जैसे हम काउंटिंग प्रॉब्लम कहते हैं, इसमें एक्चुअली हमने वो फैक्ट अगर मैं फैक्टर वाली ही एग्जांपल लूँ, प्राइम फैक्टर फाइंड करने वाली, तो अब यहाँ पे गोल ये नहीं है कि वो जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो बताए जाएं कि क्या हैं। यहाँ पे गोल ये है कि बता दिया जाए कि जी टोटल कितने डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, बस उनकी तादाद बता दी जाए। तो ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम है या एक डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम है। तो बहरहाल कंप्यूटेशनल मॉडल्स ये काम भी कर सकते हैं, वो सर्च प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, काउंटिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, डिसीजन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की, तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है इसके अंदर आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, आप किसी चीज़ को या तो मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं या किसी चीज़ को आप इसमें मैक्सिमाइज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप राइट साइड पर एक एग्ज़ाम्पल देखें, तो इसमें एक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन है जिसको हम दो इनपुट्स दे रहे हैं। पहले को मैं N1 कह रहा हूँ, वो कोई नंबर है, और दूसरे को N2 कह रहा हूँ, वो भी कोई नंबर है। तो दोनों नंबर्स का GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र, के उन दोनों नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र क्या है, वो मॉडल जो है ये हमें निकाल के मालूम करके दे दे। तो डिविज़र तो मल्टीपल हो सकते, कॉमन डिविज़र्स जो हैं वो तो कई हो सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास जो नंबर्स हैं वो 1 15 है और 1 कह लेंगे 25 है, तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को तकसीम कर रहा है वो है 5। तो अगर N1 15 रख दूँ और N2 जो है उसको 25 कर दिया जाए, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र होगा 5। और इसी तरह से सपोज़ अगर फर्स्ट नंबर जो है वो 15 है, 15 है, और दूसरा नंबर जो है वो 30 है, 30, तो फिर दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र 15 खुद ही होगा, क्योंकि वो बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों को पूरा पूरा तकसीम कर रहे हैं। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, और मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स एज वेल। ओके, फंक्शन प्रॉब्लम की हम बात करें, तो फंक्शन प्रॉब्लम जो है इसमें आपके पास कोई फंक्शन कंप्यूट करना हो सकता है आपका टास्क। के फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर आप राइट साइड पर एग्जांपल में देखें, तो मैं अपने मॉडल को दो नंबर्स इनपुट कर रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे पिछली प्रॉब्लम में था, और इस दफ़ा हम चाहिए रहे हैं कि पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें मॉडल, और जो जवाब आए उस जवाब को रिपोर्ट करें। और ये फंक्शन तो इन अदर वर्ड्स डिवीजन का फंक्शन है, ये डिवीजन के ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन आप इसको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो बहुत सारी मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन्स, एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, स्क्वायर रूट्स, ये सारा कुछ कर रहा हो, अगर आप चाहें तो इस तरह का भी आप एक फंक्शन जो है उसको मॉडल ऑफ कंप्यूटेशंस या कंप्यूटेशनल मॉडल्स के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स मुझे ये बिल्कुल मालूम है कि आपने जब हम ऑटोमेटा पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा मेजर, हमारा जो कह लें, हमारा मेन फोकस जो होता है वो डिसीजन प्रॉब्लम्स पर ही होता है, और कम ही हम बाकी तरह की कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल वो एग्जिस्ट करती हैं और उन्हें सॉल्व किया जा सकता है कंप्यूटेशनल मॉडल्स के ज़रिए। ख़ास तौर पे ट्यूरिंग मशीन जो है वो बाकी तरह की प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस कर सकती है। तो ओके, थोड़ा सा ये रिवाइज़ करने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को
मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ जी कि कैसे आप एक डिसीजन प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते थे एक लैंग्वेज में, और जब वो एक लैंग्वेज में फॉर्मुलेट हो जाती है तो फिर उसके लिए आप उसे कैसे एक्सप्रेस करते थे, और जब उसे एक्सप्रेस कर लेते हैं तो फिर आप उसके लिए कैसे एक मॉडल बनाते थे। ये जस्ट उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो लेट्स से कि अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो आपको एक मॉडल नज़र आ रहा है, और वो मॉडल जो है वो एक इनपुट ले रहा है n, और वो जो इनपुट है वो एक्चुअली एक बाइनरी नंबर है, और मॉडल का काम ये है कि वो बताता है कि क्या वो नंबर ऑड है कि नहीं। इन अदर वर्ड्स, अगर वो नंबर जो है बाइनरी नंबर जो आप उसे इनपुट कर रहे हैं वो अगर ऑड नंबर है तो मॉडल येस आउटपुट जनरेट करता है, यानी कि मॉडल जो है वो एक्सेप्ट करेगा उस नंबर को, और अगर वो नंबर जो है वो ऑड नहीं है तो मॉडल उसको रिजेक्ट कर देगा, यानी उसकी आउटपुट नो होगी। तो अगर ये एक प्रॉब्लम है तो हाउ कैन वी फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज, ये अगर हम देखें यहाँ पे तो हम एक डिसीजन प्रॉब्लम को लैंग्वेज में कैसे मैप कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ग्रामेटिकल रूल क्या होगा अगर मैं एक बाइनरी स्ट्रिंग्स, सारी पॉसिबल बाइनरी स्ट्रिंग्स लिखने की कोशिश करूँ ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए। तो आप देखेंगे कि जब जब कोई बाइनरी स्ट्रिंग जो है 0 1 से बना हुआ नंबर जो है, जब जब वो 1 पर एंड होगा आप कहेंगे कि ये ऑड नंबर है, यानी हर ऑड नंबर 1 पर ख़त्म होगा, और कोई भी ऐसा वर्ड जो 1 पर एंड नहीं हो रहा बल्कि 0 पर एंड हो रहा है तो आप कहेंगे ये ऑड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। तो ग्रामेटिकल रूल क्या बना कि ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स, ऑल बिट स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 1, वो तमाम स्ट्रिंग्स जो 1 पर एंड हो रही हैं वो स्ट्रिंग्स ऑड नंबर्स हैं, वो ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरी ये जो प्रॉब्लम है जिसमें किसी भी एक गिवन बाइनरी नंबर के लिए ये बताना है कि वो ऑड है कि नहीं, इसको एक लैंग्वेज की शक्ल में कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि मैं एक सेट बनाऊं। जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन द पेन। ओके, ये अगर आप लैंग्वेज देखें तो इसमें अगर आप देखें तो वो तमाम वर्ड्स को मैंने लिख दिया, एक सेट बना दिया ऐसे तमाम वर्ड्स का जो 1 पर ख़त्म हो रहे हैं, और अगर आप ये दूसरा सेट देखें तो ये जिसे मैं एल प्राइम कह रहा हूँ ये वो सेट है जो ऐसे स्ट्रिंग्स पर मुश्तमिल है, बाइनरी स्ट्रिंग्स पर जो 0 पर ख़त्म हो रही हैं। तो लिहाजा अब मेरे पास ये दो सेट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स, दोनों इनफाइनाइट सेट होंगे क्योंकि इसमें इनफाइनाइट मैनी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। तो जो पहला सेट है जिसको मैं एल कह रहा हूँ ये एक ऐसा सेट है जिसके लिए मेरे मॉडल को येस आउटपुट जनरेट करनी चाहिए, या यूँ कह लें कि मेरे मॉडल को उस सेट की हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर मैं दूसरे मॉडल दूसरी दूसरे सेट की बात करूं जिसे मैं एल प्राइम कह रहा हूं तो इसमें हर वो स्ट्रिंग है जिसको मेरे मॉडल को रिजेक्ट करना चाहिए, तो इस वजह से मैंने लिख दिया है कि उसकी आउटपुट मॉडल की नो होगी। तो अगर मैं देखूं तो एक्चुअली जो हमारी लैंग्वेज होती है वो भी दरअसल एक सेट ऑफ वर्ड्स होती है, यानी अगर आप एक लैंग्वेज को देखें तो लैंग्वेज में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी वोकेबलरी जैसे आप वर्ड्स कह लें वोकेबलरी कह लें, और दूसरी तरफ उसके ग्रामेटिकल रूल्स, जिन ग्रामेटिकल रूल्स को आप इस्तेमाल करते हुए उस लैंग्वेज के सेंटेंसेस बना सकते हैं उन वर्ड्स को आपस में जोड़कर अरेंज करके। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो लैंग्वेज का ग्रामेटिकल रूल होता है, और इस लैंग्वेज का ग्रामेटिकल रूल ये है कि वो तमाम स्ट्रिंग्स जो 1 पर एंड होती हैं उनके लिए मॉडल को एक्सेप्ट करना चाहिए, यस आउटपुट जनरेट करनी चाहिए। तो लिहाजा अब हम कहें इस लैंग्वेज को एक्सप्रेस करूँगा, तो लैंग्वेज एक्सप्रेस करने का एक तरीका तो ऊपर ये लिखा ही हुआ है कि आप लैंग्वेज को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये भी एक वैलिड तरीका है, लेकिन आपने ऑटोमेटा के कोर्स में पढ़ा होगा
कि ये एक इतना अच्छा और इतना कह लें कि एफिशिएंट वे नहीं है लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस जब कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं तो उनमें इतने सारे रूल्स आ जाते हैं कि फिर आप उसके वर्ड्स को इस तरह से एनलिस्ट करके नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो फिर उसका हमारे पास एक उस वक़्त आपने ये थ्री ऑफ ऑटोमेटा में आपने पढ़ा कि हमारे पास एक तरीका ये होता है कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ये उस लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहा है जिस लैंग्वेज के लिए हम मॉडल बनाना चाह रहे हैं, यानी कि ऐसे तमाम वर्ड्स जो वन पर एंड हो रहे हैं यानी वो ऑड नंबर्स हैं। तो इसमें रेगुलर एक्सप्रेशंस चूँकि आप पढ़ चुके हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो हिस्से, दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 0+1 होल स्टेरिक या क्लीन स्टार, इसको हम कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई भी स्ट्रिंग जो 0 या 1 को मिलाकर बनाई जा सकती है वो आएगी, लेकिन और इवन नल भी आ सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना इसमें से आए, और आखिर में आपके पास 1 का आना लाजमी है। तो ये इन्फोर्स कर रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन कि हर वो वर्ड इससे जनरेट हो जाए जो 1 पर एंड होगा, क्योंकि शुरू में 0+1 स्टेरिक मीन्स के एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0s एंड 1s इंक्लूडिंग नल, कि आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन 0, 1 की मदद से बना सकते हैं, लेकिन आखिर में जो एक 1 है वो इस बात को अश्योर कर रहा है कि आखिर में एक 1 ज़रूर आएगा जो तभी उसी स्ट्रिंग को फिर ये रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ उसी स्ट्रिंग को जनरेट कर सकेगा जिसके आखिर में 1 होगा, और उससे पहले कुछ भी हो सकता है। तो हर वो स्ट्रिंग जो 1 पर एंड हो रही है वो इससे जनरेट हो सकती है। तो ये एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये आपके उस लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहा है एक बड़े कॉम्पैक्ट वे में कि जिस लैंग्वेज के हर वर्ड को 1 पर एंड होना है। फिर तीसरा स्टेप जो हमने कहा कि आपने ऑटोमेटा के कोर्स में यही प्रैक्टिस की होती है कि तीसरा स्टेप ये होता है कि आप उसके लिए एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जो मॉडल्स हैं वहाँ आपने डिफरेंट तरह के मॉडल्स पढ़े होंगे। सबसे पहला बड़ा बेसिक मॉडल जो आप इसके लिए बनाते हैं वो है फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसे डिस्क्रीट फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं, सॉरी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं, और इसको फाइनाइट स्टेट मशीन भी कहते हैं। तो अगर आप इस ऑटोमेटा को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें, मैं उन्हें हाईलाइट करता हूँ। एक तो आप इसमें ये सर्कल देख सकते हैं, ये जो सर्कल है इसको हम कहते हैं जी स्टेट, क्योंकि आपका मॉडल किसी एक वक्त में किसी एक स्टेट में हो सकता है। तो एक्चुअली हमारी इस प्रॉब्लम के अंदर दो ही स्टेट्स हो सकती हैं कि कोई वर्ड आपने जितना रीड किया है, लेट्स से आपके पास एक वर्ड इनपुट आ गया और वो जो वर्ड है उसको आपने स्टार्ट से पहली बिट से रीड करना शुरू किया 1 by 1, एक एक लेटर या एक एक बिट करके। तो जहाँ तक आप उसे रीड कर चुके हैं वहाँ तक वो वर्ड, अगर उससे आगे वाली स्ट्रिंग को एक लम्हे के लिए इग्नोर कर दिया जाए तो वहाँ तक वो वर्ड या एक इवन होगा, इवन स्ट्रिंग होगी, या वो एक ऑड स्ट्रिंग होगी। तो आपकी जो प्रॉब्लम है या जो मॉडल है वो किसी एक वक्त में इन दो स्टेट्स में से ही किसी एक स्टेट में हो सकता है। तो चूँकि इनिशियली आपने कोई भी स्ट्रिंग रीड नहीं की होती तो उसके लिए आप एज्यूम करते हैं जब नथिंग इज़ कंसिडर्ड एज इवन, यानी नल को आप इवन कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये जो एरो है ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ये जो स्टेट है ये इनिशियल स्टेट है, और यहाँ पे ऑड के अराउंड आपको डबल सर्कल नज़र आ रहा है। ये जो डबल सर्कल है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपकी जो स्ट्रिंग आपने इनपुट की है उसके आखिरी लेटर तक, आखिरी करेक्टर तक रीड करने पर अगर आप इस स्टेट में पहुँचेंगे तो इसका मतलब वो वर्ड एक्सेप्टेबल है, उस वर्ड के लिए हमारा मॉडल येस आउटपुट जनरेट कर रहा है। और अगर आपकी
की जो स्ट्रिंग है उसके आखिरी करेक्टर को जब आप रीड करेंगे तो उस वक्त अगर आप इवन स्टेट पर टर्मिनेट कर रहा है आपका मॉडल, तो फिर आपका मॉडल उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ज़ाहिरी बात है कि अगर आपने कुछ भी रीड नहीं किया तो आप कंसिडर कर रहे हैं कि आपने या आपकी स्ट्रिंग इवन है। फ़र्ज़ करें कि मैं ये एक स्ट्रिंग यहाँ से इनपुट लेता हूँ, तो जैसे ही आपने ये पहला लेट मी चेंज इट, ओके जी, सपोज़ कि अभी हमने कुछ भी रीड नहीं किया था, तो जैसे ही हम पहला एक ज़ीरो रीड करते हैं जी, ज़ीरो रीड किया तो ज़ीरो रीड करने पर स्ट्रिंग इवन ही रहेगी। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ये आप एक लूप देख रहे हैं यहाँ पे, लूप ये इंडिकेट कर रही है कि हम स्टेट चेंज नहीं करेंगे, हमारा मॉडल इवन स्टेट में रहेगा। अच्छा, इसके बाद अगर लेट से मैं एक और ज़ीरो रीड करता हूँ, मेरी इनपुट स्ट्रिंग आती है जो उसमें आगे भी इसके ज़ीरो ही है, तो फिर भी स्टेट चेंज नहीं होगी, मॉडल इसी पे रहेगा। लेकिन जैसे ही मुझे कोई नॉन ज़ीरो यानी वन मिलेगा तो मॉडल फौरन से अपनी स्टेट चेंज करते हुए एक ऐसी स्टेट पर चला जाएगा जहाँ पे मैंने ऑड लेबल रखा हुआ है, कि मतलब मैंने इस स्टेट पर तब लेके आना है अपने मॉडल को जब ऑड स्ट्रिंग रीड हुई होगी, तो वन के अगेंस्ट मैं इधर आ जाऊँ। अब वन के बाद आपको जितने मर्जी वन मिलते रहें, ये आप जानते हैं कि स्ट्रिंग ऑड ही रहेगी क्योंकि स्ट्रिंग वन पर ही ख़त्म हो रही है। तो इस वजह से ये लूप यहाँ पर दे दिया गया जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप जब तक वन मिलता रहेगा स्टेट चेंज नहीं होगी, ऑड स्ट्रिंग रहेगी और उसी को एक्सेप्ट कर रहा होगा मॉडल। लेकिन जैसे ही कभी ज़ीरो मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग जो है पूरी की पूरी ये वापस इवन हो गई है, तो अब आपको यहाँ से इसे वापस लेके आना होगा। और ये अब कंप्लीट है, इस मॉडल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, डेफिनेटली आपको वो उन्हें दोबारा से एक बार देख लेना चाहिए कि अगर ये एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है तो फिर इसमें आपके जो इनपुट लेटर्स आ सकते हैं, जो सिंबल्स आ सकते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर, हर स्टेट से हर सिंबल के लिए बताया जाना ज़रूरी है कि उस सिंबल के मिलने पर उस स्टेट से आप किस और तरफ जा सकते हैं। तो चूंकि हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि नंबर बाइनरी है, तो इट मींस कि सिर्फ दो ही सिंबल आ सकते हैं, ज़ीरो या के वन। तो इस वजह से अगर आप देखें तो इवन स्टेट से भी आपको दो एजेस आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक ज़ीरो के लिए जो लूप है और एक वन के लिए जो उसे ऑड पे लेके जा रहा है। और इसी तरह से ऑड स्टेट के लिए भी आपको दो ही एजेस नज़र आ रहे हैं, ज़ीरो के लिए भी और वन के लिए भी। ज़ीरो वाला उसे वापस इवन पर लेके आ रहा है और वन वाला जो है वो उसको उसी स्टेट के ऊपर रख रहा है। तो मैं एज्यूमिंग कि आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसलिए रिवाइज़ कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ें रिवाइज़ हो जाएं। तो आपने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देखी हुई हैं कि आपके पास एक प्रॉब्लम है और डिसीजन प्रॉब्लम है, एज्यूम करके चल रहे हैं, उसको आप एक फॉर्मुलेट कर सकते हैं, एक लैंग्वेज की शेप दे देते हैं और फिर उसके बाद आप उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन या कोई एक्सप्रेशन और तरीका जैसे कि CFG है उसको यूज़ करते हुए आप उसे एक्सप्रेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ टेक्निक्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपने ये पढ़ी हुई होंगी, जैसे कि आपने सबसे पहले थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स में रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे, कि अब आपने वहाँ पे पढ़ा कि जी कोई भी लैंग्वेज जो है या कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम जिसको हम लैंग्वेज में फॉर्मुलेट कर लेते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले आपने वहाँ पढ़ा होगा रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को जब की मदद से एक्सप्रेस किए जाने वाली लैंग्वेजेस के लिए फिर आप मॉडल जो बना सकते हैं वहाँ पे आपने फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा NFA आपने पढ़े होंगे, एंड TG फॉर ट्रांजिशन ग्राफ। मुमकिन है कि अगर आप में से किसी ने मार्टिन की बुक को फॉलो किया हुआ है तो फिर उसने शायद ट्रांजिशन ग्राफ नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर किसी ने कोहेन की बुक को फॉलो किया है तो उसमें ट्रांजिशन ग्राफ्स का जिक्र आता है। तो बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन FA और NFA का आपको इलम होना चाहिए। और अगर आपने चूँकि दोनों ही बुक्स के अंदर ये है तो इसलिए वो कोई इशू नहीं है,
तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन से लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते थे और फिर आप एफए या एनएफए की मदद से उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते थे। ओके इसमें ओके फिर आपने ऑटोमेटा में ये देखा होगा कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये हर लैंग्वेज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जो लैंग्वेजेस को ये एक्सप्रेस कर सकते हैं उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं कि वो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। और वहाँ पे आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा जिसे पंपिंग लेमा भी कहते हैं। पंपिंग लेमा की मदद से आपने प्रूफ भी किया होगा कि ऐसी लैंग्वेजेस बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं जिनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिखा जा सकता। और वहाँ पे आपने एक थ्योरम और पढ़ा होगा जिसका नाम था क्लीन्स थ्योरम, जिससे आप ये प्रूव करते हैं कि हर वो लैंग्वेज जिसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं उसके लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं, और जिसके लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं उसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। लेकिन चूंकि पंपिंग लेमा के मुताबिक ऐसी लैंग्वेजेस एक्जिस्ट करती हैं जिनके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, तो फिर उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा पावरफुल मेथड चाहिए, वे चाहिए जो लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस कर सके। तो फिर आप मूव करते हैं CFGs पर, जिनको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो ये ज़्यादा पावरफुल वे है लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस करने का। इसके अंदर आपने ऐसी लैंग्वेजेस जो रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस हो सकती हैं वो तो CFG से की होंगी, उससे CFG से भी हो जाती हैं, लेकिन ऐसी भी लैंग्वेजेस आपने एक्सप्रेस की होंगी जो रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस नहीं हो सकती। तो चूंकि अब आपने एक नेक्स्ट लेवल पर आप पहुंच जाते हैं, तो फिर अब आपके लिए और FA जो है उन लैंग्वेजेस के लिए बन नहीं सकता जिनके लिए जो रेगुलर नहीं हैं, तो फिर उनके लिए आपको एक नया मॉडल पढ़ना होता है। एक नया मॉडल आप पढ़ते हैं जिसे आप पुश डाउन ऑटोमेटा कहते हैं। इसे पुश डाउन ऑटोमेटा आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसके अंदर एक स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और आपके पास एक अजाफी मेमोरी आ जाती है, जिस मेमोरी की मदद से अब आप कुछ अजाफी मेमोराइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पंपिंग लेमा में आपने यही एक वजह या यही बुनियाद बना के ये प्रूव किया था कि ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि रेगुलर नहीं हैं, कि आपके पास वहाँ पे मेमोराइज नहीं आप कर सकते। एक बड़ी वेल नोन लैंग्वेज आप वहाँ पे यूज़ करते हैं ANBN, जिसको आप कहते हैं कि ये रेगुलर नहीं है। ANBN मींस कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसमें सारे ए पहले आएंगे और सारे बी बाद में आएंगे, लेकिन जितने ए आएंगे उतने ही बीज आएंगे, और उनकी जो एन वैल्यू यानी एन नंबर ऑफ एज आएंगे और फिर एन नंबर ऑफ बीज उसके बाद आएंगे, तो वो एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो चूंकि आपका जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो फाइनाइट होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, तो आप पंपिंग लेमा की मदद से फिर वहाँ पर ये प्रूव करते हैं कि एन जो है ANBN में उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर इट मींस कि अगर मेरे पास एक फाइनाइट स्टेट्स हैं तो उनकी तादाद एक फिक्स होगी FA में, और अगर लेट से मैं कहता हूं कि वो जो स्टेट्स हैं मेरे पास मेरे FA में, मैं क्लेम करता हूं, इसे प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन हम कहते हैं, उसके ज़रिए आप उधर प्रूफ करते हैं इस चीज़ को, तो फिर बहरहाल मैं उस डिटेल में फ़िलहाल नहीं जा रहा हूं। तो आप वहाँ पे इसी चीज़ को बुनियाद बनाते हैं क्योंकि FA के अंदर आप ये मेमोराइज़ नहीं कर पाते कि कितने ए रीड किए थे, ताकि जब बीज आना शुरू हों तो आप उसके साथ मैच कर सकें। तो उसके लिए फिर ये उसकी लिमिटेशन थी। तो इसके लिए फिर अगर मैं अपने FA में कुछ और ना करूँ, सिर्फ़ एक चीज़ और अलाउ कर दूँ, स्टैक, तो वो FA अब FA नहीं रहेगा, वो PDA बन जाएगा। तो FA प्लस स्टैक इज़ इक्वल टू अ PDA, यूँ आप समझ लें। तो अब PDA जो है या वो मॉडल जो है वो अब ज़्यादा पावरफुल है, अब वो इस काबिल है कि वो ज़्यादा और वो लैंग्वेजेस जो पहले FA से नहीं एक्सेप्ट हो सकती थी वो भी एक्सेप्ट हो सकेंगी। तो उसके लिए आपने पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ा। और अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, जो मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, कि जब आपने FA पढ़े होंगे तो याद रखें कि शायद हमें लगता है कि FA में मेमोराइज़ करने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये भी मेमोराइज़ करता है,
इसमें मेमोराइज़ करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो है स्टेट। ये अपनी स्टेट्स के ज़रिए मेमोराइज़ करता है, लेकिन स्टेट की लिमिटेशन है। स्टेट एक चीज़ को मेमोराइज़ कर सकती है, एक करेक्टर को मेमोराइज़ कर सकती है। तो बहरहाल जब आप FA में स्टैक ऐड कर देते हैं तो वो PDA बन जाता है, और PDA जो है वो ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग ऑल दोज लैंग्वेजेस विच आर रेगुलर। तो अब फिर आप पढ़ते हैं वहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉन डिटर्मिनिज्म का। अच्छा, नॉन डिटर्मिनिज्म की असल इम्पोर्टेंस आपको रियलाइज़ नहीं होती जब आप FA से NFA बनाते हैं। नॉन डिटर्मिनिज्म वहाँ आपको फ़र्क नहीं महसूस आपको वहाँ पे होता, आपको लगता है ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप नॉन डिटर्मिनिज्म PDA में ऐड कर दें, अब नॉन डिटर्मिनिज्म है क्या कि सपोज़ आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आप एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से पांच रास्ते निकलते हैं, तो पांच रास्तों में से आपको नहीं पता कि किस रास्ते से आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन नॉन डिटर्मिनिज्म आपको ये अलाउ करता है कि ठीक है, आप पहले एक रास्ते से जाके देख लें, वहाँ से अगर आपको ना मंजिल पर पहुँचें तो वापस आ जाइएगा, फिर दूसरा चेक कर लीजिएगा, दूसरे से नहीं मिला तो तीसरे से देख लीजिएगा, तीसरे से नहीं मिला तो चौथे से, वहाँ से नहीं मिला तो पाँचवें से, और अगर पाँचवें से भी नहीं मिला फिर आप कह दीजिएगा कि जी डेस्टिनेशन तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं है। तो नॉन डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि जी पाँचों में से किसी एक से भी एक्सेप्ट होता है या डेस्टिनेशन मिलती है तो आप कह दें कि वो एक्सेप्टेबल है। तो नॉन डिटर्मिनिज्म ये अलाउ कर देता है, जबकि डिटर्मिनिज्म में आप ये ऑप्शन नहीं रखते। तो ये मैंने एक रफ सी एग्जांपल दी है, जबकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकली आपने जब हम कुछ चीज़ों को आगे जाके देखेंगे, नॉन डिटर्मिनिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ट्यूरिंग मशीन में भी आएगा, तो वहाँ पे हम फिर से डिटेल से पढ़ेंगे। तो नॉन डिटर्मिनिज्म FA में तो इतना अपना उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप PDA में नॉन डिटर्मिनिज्म ऐड करते हैं और उसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA बनाते हैं तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि एक सिंपल PDA जो है या डिटर्मिनिस्टिक PDA जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो लैंग्वेजेस कौन सी हैं आपको याद होगा? पैलिंड्रोम, इवन पैलिंड्रोम या ऑड पैलिंड्रोम, कम से कम इन दो लैंग्वेजेस के लिए जो, या इक्वल थी एक आ, 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 इसी तरह से और भी कई लैंग्वेजेस हैं। तो बहरहाल ये जो लैंग्वेजेस हैं ये NPDA से एक्सेप्ट होती हैं। तो उसके बाद मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है CSG स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। मुझे मेरे ख्याल से आपने ट्यूरिंग मशीन तो पढ़ी होगी, लेकिन ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेजेस का जिक्र शायद नहीं आपने वहाँ पे देखा होगा। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जो है ये नेक्स्ट लेवल है। जो लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से नहीं एक्सेप्ट हो सकती, उनके लिए आप कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर लिख सकते हैं। नाम से पता चल रहा है कि कॉन्टेक्स्ट ही होता है कि किसी चीज़ के का सियाको सबाक आगे पीछे क्या होगा। तो लेट्स से कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो आपको पता है कि लेट्स से कि आपने लेट्स से आप कहते हैं कि जी ही गोज़ टू स्कूल, और दूसरी तरफ आप कहते हैं वी गो टू स्कूल, तो गो के साथ ES आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे के पीछे जो कह लें कि सब्जेक्ट है वो ही है या कि वी है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कॉन्टेक्स्ट है कि आगे पीछे जो है या उस चीज़ को देखते हुए आगे डिसाइड करना कि क्या होगा, तो इसको हम कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी, और अगर आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे तो उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री। तो जब आप CFG में देखें तो आप एक नॉन टर्मिनल को सिंपली रिप्लेस कर देते हैं किसी भी स्ट्रिंग से, तो आप ये नहीं देखते कि जब आप उसे रिप्लेस कर रहे हैं तो उस नॉन टर्मिनल से पहले क्या था। तो अगर आप वो देखना शुरू कर दें तो फिर हम कहेंगे कि हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर बना रहे हैं, तो वो एक्चुअली नेक्स्ट लेवल है जो CFG के अंदर कुछ रूल्स और ऐड करने से CSG बन जाती है। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के लिए भी एक स्पेसिफिक मॉडल है, क्योंकि जो आपका PDA या NPDA है ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में कुछ ऐसी लैंग्वेजेस आ जाती हैं जिनको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर आप लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा LBA, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, ये ट्यूरिंग मशीन की ही थोड़ी सी स्पेसिफिक या एक कह लें कि रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है, तो उसको आप
इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे लैदा से, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ऑटोमेटर के कोर्स में आपने इसे पढ़ाओ। और फिर मशीन ट्यूरिंग मशीन तो डेफिनेटली CSG को एक्सेप्ट कर सकती है। याद रखें कि ट्यूरिंग मशीन इज़ द मोस्ट पावरफुल मॉडल वी हैव, थ्योरेटिकल मॉडल वी हैव। हर वो प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम को आप कहें कि ये सॉल्वेबल है, उसके लिए ट्यूरिंग मशीन बन सकती है। हर वो प्रॉब्लम जिसके लिए आप कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हैं, हर प्रॉब्लम जिसके लिए आप एक प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उसके लिए आप एक थ्योरेटिकल मॉडल ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद कुछ एक और आगे लेवल आता है। ऐसी भी लैंग्वेजेस आती हैं जिनके लिए CSG भी नहीं बन सकती, उसके लिए हम PSG या टाइप ज़ीरो ग्रामर, इसे हम कहते हैं फ्रेज स्ट्रक्चर्ड ग्रामर, हम उसे नाम देते हैं, और उनके लिए फिर ट्यूरिंग मशीन ही कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। और फिर हम ये भी देखेंगे इस कोर्स के अंदर, जैसे कि मैंने कहा कि कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी है, और इसमें हम देखते हैं कि क्या कुछ हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेटली ऐसी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, हम पढ़ेंगे आगे, कि जो जिनके लिए ट्यूरिंग मशीन भी नहीं बन सकती, जिनके लिए कोई ग्रामर नहीं है, कोई एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं हो सकता, जिनको किसी कंप्यूटर के ज़रिए प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसी और मज़ेदारी की बात यह है कि उनकी तादाद उनसे कहीं ज़्यादा है जिनको सॉल्व किया जा सकता है, तो ये इम्प्रूव करेंगे। तो इसके अलावा कुछ और वेरिएंट्स हैं, कुछ और डिटेल्स हैं, कुछ और मॉडल्स भी हैं जो हम नॉर्मली अपने कोर्स में उस तरह से पढ़ नहीं रहे होते, लेकिन आप इसे अपने तौर पे टर्म पेपर्स वगैरह के लिए ले सकते हैं और फिर इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। मोर एंड मिले मशीन तो डेफिनेटली आपने खैर FA के साथ यूजुअली पढ़ते ही हैं। अगर आप मार्टिन की बुक को फॉलो करें तो उसमें नहीं है, लेकिन कोहन की बुक को फॉलो करें तो उसमें है। तो उसके अलावा 1PDA, 2PDA, NPDA, यानी इसका मतलब यह है कि PDA के साथ अगर एक स्टैक है तो वो 1PDA है, वो तो आपने पढ़ाई है। अगर PDA के साथ दो स्टैक रख दिए जाए, तीन रख दिए जाए, इवन n नंबर ऑफ स्टैक्स रख दिए जाए, तो वो PDA की आगे वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं। तो दो रखें या NPDAs रखें, ये हम आगे जाके देखते हैं। इसको वैसे प्रूफ भी किया जाता है, तो इसे आप टर्म पेपर के तौर पर भी ले सकते हैं कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा स्टैक्स PDA में अलाउ कर दें तो ये ट्यूरिंग मशीन के इक्विवेलेंट बन जाता है। फिर हर वो प्रॉब्लम जिसके लिए ट्यूरिंग मशीन बन सकती है, ये भी बन सकता है। लेकिन फिर स्टैक दो हों या बेशक 50 हों, उसकी पावर इंक्रीज़ नहीं होती है। वो दो वही काम जो वो दो स्टैक के साथ कर सकता है, वो 50 से भी वही कर सकता है, उससे आगे नहीं। इसके अलावा एक और मॉडल है, एक और मशीन है, वो भी आप टर्म पेपर के लिए एक टॉपिक हो सकता है, वो है जी पोस्ट मशीन्स। पोस्ट मशीन ये होती है कि जिसमें स्टैक की बजाय आप क्यू अलाउ कर दें, आप अपने मॉडल में स्टैक ख़त्म कर दें, फर्स्ट करें PDA, उसमें से स्टैक निकाल दें और क्यू रख दें। तो क्यू मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करने वाला डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। तो वो जो मॉडल है वो पोस्ट मशीन बन जाएगा, और पोस्ट मशीन जो है वो भी उतना ही पावरफुल मॉडल है जितना आपके पास ट्यूरिंग मशीन है। ये भी आगे एक थ्योरम के ज़रिए प्रूव किया जाता है। ओके, अब बात यह है जी कि क्योंकि ये तो पहला लेक्चर था, इसमें मैंने आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया, मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज़ कर दिया, मैंने कुछ चीज़ों को मैंने ये भी बताया कि हम क्या पढ़ेंगे, कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर ली हमने थोड़ा सा बुक्स को भी के बारे में बात कर ली। तो अब ज़रूरी है कि कुछ स्टूडेंट्स तो वो हैं जिन्होंने डेफिशिएंसी कोर्स के तौर पर अभी रिसेंटली ऑटोमेटा का कोर्स पढ़ा होगा, तो उनके कॉन्सेप्ट्स इतने चूँकि वो बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई पढ़े हुए, तो उनके कॉन्सेप्ट्स अभी भी उन्हें याद होंगे चीज़ें। कुछ ऐसे हैं जो BS में पढ़ के आए होंगे और उन्होंने काफ़ी देर पहले का पढ़ा होगा, तो उनके लिए शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी रिवाइज़ करने के लिए, या वो भूल चुके होंगे कॉन्सेप्ट्स को। तो फिर भी ज़रूरी तो है कि वो आप अपनी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करें। मैं ज़रूर इस पर दो लेक्चर्स, यानी कह लें कि मैंने फ़र्स्ट जो 1.5 वीक है वो इसी मकसद के लिए रखा हुआ है, तो मैं उसमें वो रिवाइज़ तो करवाऊँगा कि हम एक रिव्यू तो उसका लेंगे, जिसमें मैं शामिल करूँगा रेगुलर एक्सप्रेशंस को, DFAs को क्विकली इनका कुछ एग्ज़ाम्पल्स लें, उन्हें करके देखें, और फिर हम नॉन डिटर्मिनिज़म की बात ज़रूर करें। नॉन डिटर्मिनिज़म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं ज़रूर इस पर इसको ज़रूर शामिल करूँगा।
एनएफए को हम डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की भी बात करेंगे ज़रूर, पीडीएस एंड पीडीएस, इसके अलावा जो बीच में आपने बहुत सारी और चीज़ें, कुछ पंपिंग लेमा पढ़ा आपने, क्लीन्स थ्योरम आपने पढ़े होंगे, आपने सिंटेक्स ट्रीज पढ़ी होंगी, पार्सर्स पढ़े होंगे, वो चीज़ें अब हम नहीं, यहाँ पे मैं उनको रिवाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि उनके साथ शायद हमें कोई बहुत ज़्यादा वास्ता भी नहीं पड़ेगा। तो मॉडल्स रिवाइज कर लेंगे और एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं लैंग्वेजेस को, वो रिवाइज ज़रूर कर लेंगे और रिवाइज भी हम बड़ा क्विकली करेंगे। मेरी अजम्पशन तो यही है कि इस पे मैं असाइनमेंट्स दूंगा और मैं ये चाहूँगा कि आप उस पे प्रैक्टिस कर लें अपने जाके अच्छे तरीके से, और क्योंकि अगर ट्यूरिंग मशीन से हम थोड़ा सा आगे एक बड़े कह लें कि अपनी वो जो रफ्तार है उसको हम स्लो करेंगे, बाकी ये चीज़ें जो ये बड़ी क्विकली देखेंगे, तो ज़रूरी है कि आप इनको रिवाइज़ कर लें जी। तो वी विल टेक अ रेगुलर स्टार्ट फ्रॉम ट्यूरिंग मशीन, लेकिन अगले लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में अभी मैं रेगुलर एक्सप्रेशंस, डीएफएस, एनएफएस, नॉन डिटर्मिनिज्म, सीएफजी, पीडीए और एनपीडीए, इनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो ये है जी एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इस कोर्स का जो आप पढ़ने जा रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है, लेकिन इस कोर्स के अंदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, हाँ एनालिटिकल ज़रूर है। अगर आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, आपकी लॉजिक अच्छी है, तो फिर तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लॉजिक अच्छी नहीं है, एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, या आपने इसका जो प्री रिक्विजिट है वो अच्छे तरीके से आपने नहीं समझा हुआ, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन उसके भी एक तरीका है कि आप एक्सरसाइज करें, आप इसकी मैं असाइनमेंट्स भी दूंगा आपको, और आपने अपने तौर पर भी आप इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें, आप जितनी ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से उन चीज़ों को कर सकेंगे, क्योंकि डीएफए या ये जो मॉडल्स हैं ये तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। जिसको डीएफए पे अच्छी ग्रिप है वो बना सकता है, वो पीडीए भी बना सकता है, वो ट्यूरिंग मशीन भी बना सकता है, या आगे फिर जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो सारे काम भी कर सकता है। तो बहरहाल जी ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया, और मैं चाहूँगा कि मैं आपसे कोई असाइनमेंट भी शेयर करूं, और लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगा, फिर ही असाइनमेंट आपसे शेयर करूंगा। आपके जो कमेंट्स हों वो मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मुझे देने की ज़रूरत है, तो आप मुझे बिल्कुल वो बता सकते हैं, फिर हम देख लेंगे कि किस तरीके से हम इस कोर्स को आगे ले कर चल सकते हैं। तो ओके जी, थैंक यू एंड टेक केयर।